लोकसभा के बाद अब देश में विधानसभा चुनावों का दौर शुरू होने वाला है। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसकी झलक महाराष्ट्र में पेश हुए वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में देखने को मिली। राज्य सरकार ने तमाम ऐसी घोषणाएं की हैं जो लोक लुभावन और मुफ्त रेवड़ियां बांटने जैसी ही हैं। मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने मुंबई में पेट्रोल डीजल सस्ता करने की घोषणा की। इसके लिए ईंधन पर वैट घटाया गया है। पेट्रोल पर वैट 26% से घटाकर 25% कर दिया गया। इससे पेट्रोल 65 पैसे प्रति लीटर सस्ता होगा। वहीं डीजल पर वैट की दर 24% से घटाकर 21% कर दी गई है। इस कटौती से डीजल 2.60 रुपए लीटर सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का फैसला केवल मुंबई महानगर क्षेत्र में 1 जुलाई से लागू होगा। इससे पेट्रोल डीजल कीमतों में 1 जुलाई से कमी आएगी। इस कदम से राज्य के खजाने पर 200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बजट में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। राज्य के सभी किसानों को कपास और सोयाबीन फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा दूध किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस दिया जाएगा। महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकार ने बजट में बड़ी घोषणाएं की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन स्कीम के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना पर सरकार 46,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए पिंक ई रिक्शा योजना का भी ऐलान हुआ है। इसमें 17 शहरों की 10,000 महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय मदद यानी फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। शुभ मंगल सामूहिक पंजीकरण विवाह योजना की रकम को भी बढ़ाया गया है। इस योजना में पहले लाभार्थियों महिलाओं को 10,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसे 25,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में इस साल 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य के गरीब परिवारों का भी ध्यान बजट में रखा गया है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 सदस्यों वाले परिवार को सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। सुनने में भले ही ये योजनाएं आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं पर जो पैसा खर्च होगा वो कहां से आएगा। इन योजनाओं के लिए सरकार बाजार से कर्ज लेगी या विकास और जरूरी कामों के खर्च में कटौती करेगी। मुफ्त योजनाओं पर होने वाले खर्च की पूर्ति आखिरकार आपकी जेब और हमारी जेब से ही होगी, क्योंकि मुफ्त योजनाओं के लिए सरकार पैसा जुटाने के लिए स्थानीय करों में बढ़ोतरी कर सकती है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें बताएं, और इस वीडियो से आपकी जुड़ी कोई भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में दें। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।